to discuss about the Dolly Olean. किसी का नाम डॉली नहीं है, आई थिंक यहाँ पे. ठीक है, तो हम डॉली ओलियन के बारे में पढ़ेंगे. इसका क्या फाइलम है, क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है, क्या जीनस है, क्या ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो डॉली ओलियन जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है. ये फाइलम कॉर्डाटा से बिलोंग करता है. फाइलम कॉर्डाटा से बिलोंग करता है. क्लास थालीसिया से बिलोंग करता है. ऑर्डर डॉलियोल्डी से बिलोंग करता है. ठीक है, और इसका जीनस जो हो गया वो हो गया डॉलियोलियम. दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉलियोलियम. दिस बिलोंग्स फाइलम कॉर्डाटा, क्लास थालीसिया, ऑर्डर डॉलियोल्डी, जीनस डॉलियोलियम. इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे एंड वेयर इट फाउंड, कहाँ पे ये पाया जाता है. सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में जानें कि इट इज अ कॉस्मोपॉलिटियन. ठीक है, ये कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटियन. कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या होता है कि दोस एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म विच फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह फैला हुआ हो, हर जगह पाया जाता हो, उसको कहेंगे कॉस्मोपॉलिटियन. ठीक है, जो हर जगह पाया जाता हो उसको क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटियन कहेंगे. ये जो डॉली ओलियम जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉस्मोपॉलिटियन है. मेराइन होता है, यानी कि ये सी में पाया जाएगा. ये फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग एनिमल है. पेलाजिक होता है, और ये पूरे इनहैबिटिंग ऑल ओवर सीज, यानी कि ये जहां पे भी प्रेजेंट होगा या जहां पे भी कहां प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन मेराइन वाटर. तो मेराइन वाटर जहां पे भी ये प्रेजेंट होगा, ये पूरा अपना मतलब एक तरह से साम्राज्य जमा करके ये वहां पे प्रेजेंट होगा. पूरा अपना ही मतलब हर जगह ये फैला हुआ होगा, पूरे सी को इनहैबिट किया हुआ होगा ये. तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यानी सी में प्रेजेंट होगा, तो हर जगह ये फैला हुआ होगा. ठीक है, फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ये तैर सकता है. पेलाजिक होता है, इनहैबिटिंग ऑल, जहाँ पे भी ये सी में रह रहा है वहाँ पे. कॉस्मोपॉलिटन का जो मतलब हो गया वो वही हो गया कि हर जगह वो फैला रहेगा सी में, जहाँ पे भी रहेगा. तो ये इसके हैबिटेट हो गए. जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डॉली ओलियम का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है. इट इज बैरल सेपेट स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का वो होगा बैरल सेपेट. इसके इसका जो बॉडी होगा उसपे मसल्स बैंड प्रेजेंट होगा. हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कैसे मसल्स बैंड प्रेजेंट होगा. एंड दिस मसल्स बैंड में 7 to 8 मसल्स बैंड हो सकता है. गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा. And this gill slits may be few or many, कुछ थोड़ा भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है gill slits. ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका जो structure होगा body का वो ऐसा होगा, एक barrel shaped structure होगा. And their body is covered by a thin crust which is also called a tunicate, which is made up of tunice, whose formula is C6H10O5. ठीक है, तो जो टेस्ट होता है इसका आउटर लेयर जो होता है इसके बॉडी का वो टेस्ट से बना हुआ होता है. इसको ट्यूनिसिन ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं उसको. तो ये जो ट्यूनिकेट्स होता है वो ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है. जो ट्यूनिसिन का फॉर्मूला हमने बताया वो अभी रिप्रेजेंट करेंगे कैसे होता है. और इसका बॉडी पूरा ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है, जिससे कि इसके बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गेन्स है वो एज यूजुअल दिखाई देगा. जैसे हम लोग पारामिसम में पढ़ रहे थे ना, दे आर ट्रांसपेरेंट प्रोटोजोन एनिमल्स, सिमिलरली ये भी ट्रांसपेरेंट है बट इट इज कॉर्डाटा, ट्रांसपेरेंट एनिमल. ठीक है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैसा दिखता है एक्चुअली में, जो डॉली ओलियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म है.
टेस्ट, या इसी को कहते हैं ट्यूनिकेज, टेस्ट या ट्यूनिकेज, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5N, ठीक है। इसका ये बना होता है जो आउटर लेयर होता है इस तरीके से, यहाँ नीचे में भी होगा, ऑल्सो दिस आर टेस्ट सराउंडेड बाय टेस्ट। यहाँ पे ये माउथ वाला पार्ट हो गया, इस साइड एनस वाला पार्ट होगा। तो माउथ वाले पार्ट पे जो होगा, देयर आर हियर ब्रैंकियल लोब्स आर प्रेजेंट, दीज आर द ब्रैंकियल लोब्स, ब्रैंकियल लोब्स। इनर इसके जो होगा, ये हो गया ब्रैंकियल एपर्चर, क्या हो गया ये, ब्रैंकियल एपर्चर। नाउ सिमिलरली हियर एट्रियल लोब इज प्रेजेंट, दिस आर द एट्रियल लोब हुज नंबर इज 10 to 12, दे सराउंड द एट्रियल एपर्चर। पीछे वाला भाग है जिसमें एट्रियल लोब होगा और एट्रियल एपर्चर होगा, तो ये एट्रियल एपर्चर होगा वो घिरा होगा चारों तरफ किससे, एट्रियल लोब से, जिसका नंबर कितना होगा, 10 से 12 नंबर होगा। क्लियरली है, डायग्राम पे भी ध्यान लेना है कि कैसे बनाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट सी द मसल्स बैंड आर प्रेजेंट हुज नंबर इज 7 to 8, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 8 मसल्स बैंड बनाएंगे, एंड दिस मसल्स बैंड आर लाइक दिस। These are the single muscles band. Count करते रहिए कितना muscles band हुआ है, अभी count बना रहे हैं। हो गया, इस तरह से एक क्या होता है, मसल्स बैंड प्रेजेंट होता है। जो हमने ये रॉड से लाइक ड्रॉ किया है, यही क्या है, मसल्स बैंड, क्या है ये, मसल्स बैंड है। तो मसल्स बैंड इसकी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है वो दिख गया। तो ये जो मसल्स बोन बैंड प्रेजेंट होता है, इसका नंबर कितना होगा, यहाँ पे भी हमने 8 बनाया है, तो 7 to 8 दिन में भी वेरी हो सकता है 7 और 8, ठीक है। तो ये हो गया मसल्स बैंड। मसल्स बैंड में जो थर्ड मसल्स बैंड है, यहाँ से काउंट यदि करें 1 2 3, थर्ड मसल्स बैंड के डॉर्सल साइड में, यानी कि डॉर्सल साइड, दीज आर द डॉर्सल साइड, दीज आर द वेंट्रल साइड, ठीक है। ये ऊपर पीठ वाला पार्ट हो गया और ये वेंट्रल साइड वाला पार्ट हो गया। तो अपर डॉर्सल साइड में आफ्टर द थर्ड मसल्स बैंड न्यूरल ग्लैंड आर प्रेजेंट, थर्ड मसल्स बैंड के यहाँ पे ये इस तरह से ये प्रेजेंट होता है न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हम ये जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड अ मेंटल, इसको क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे, राइट। न्यूरल ग्लैंड से लगा हुआ होता है नर्व, ये इस तरीके से क्या लगा हुआ होता है, नर्व लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का डॉर्सल लेमिना होता है, ठीक
देखिए ये डॉर्सल लैमिना है, इसको ये हो गया डॉर्सल लैमिना, इसे डॉर्सल लैमिना में इस तरह से गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा इस तरीके से। एट्रियल एपर्चर के अंदर
उसको बोलेंगे एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मसल्स बैंड है, इसमें 8 मसल्स बैंड हमने ड्रा किया हुआ है, और ये जो मसल्स बैंड होगा ये इस तरह से सर्कुलर वे में मसल्स बैंड होंगे। जो ब्रैंकियल लोब के पास वाला मसल्स बैंड है, दीज आर द फर्स्ट मसल्स बैंड। जो एट्रियल लोब के पास वाला है वो लास्ट मसल्स बैंड कहलाएगा। जो तीसरा मसल्स बैंड होता है उसके जस्ट ऊपर में यानी कि डॉर्सल साइड में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा, न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ पे है डायग्राम में, देखिए न्यूरल ग्लैंड होगा, न्यूरल ग्लैंड से नर्व निकला हुआ होगा, और यही से जो है ये थर्ड मसल्स बैंड से एक इस तरह से नर्व होगा जिसको बोलेंगे प्री फेरेंजियल नर्व, क्योंकि ये फेरिंग से पहले है इसलिए बोले प्री फेरिंग से पहले है इसलिए फेरिंग्स, और यहाँ पे नर्व है प्री फेरेंजियल नर्व। यहीं से थर्ड मसल्स बैंड से जो है इस तरह से डॉर्सल लेमिना निकलता है जिसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। ये गिल स्लिट्स का नंबर वेरी कर सकता है, कुछ थोड़ा भी हो सकता है, 2-4 भी हो सकता है, और 10-12 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फ्यू भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। इस तरह से गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स के नीचे वाले पार्ट में यानी कि वेंट्रल साइड में गिल स्लिट के नीचे एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगा। एंडोस्टाइल के बेस पे हार्ट प्रेजेंट होगा। हार्ट के बिहाइंड जो है स्टमक इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा, और जो स्टमक है इंटेस्टाइन है उसके पास में ही मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा जिसको टेस्टिस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं तो थोड़ा साफ दिखे। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया जिसको कहेंगे हम लोग टेस्टिस। उसके बाद यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड अ ओवरी। These are the whole structure of dolichium. जो atrial lobe का number होगा वो 10-12 होगा, and the atrial aperture is surrounded by 10-12 atrial lobe. तो ये हो गया dolichium का structure. ठीक है, अब जो इसका life cycle है वो कैसे चलता है? Life cycle है यानी कि अपना life cycle चलने का मतलब क्या हुआ कि जो organism है वो नए organism को produce करेगा, तभी लाइफ साइकिल चलेगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद ऐसा स्पीशीज फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो लाइफ साइकिल जो है सरवाइव करने के लिए लाइफ साइकिल का चलना बहुत जरूरी है, जेनरेशन को मेंटेन करने के लिए लाइफ साइकिल का चलना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना लाइफ साइकिल जो है दो स्टेप्स में कंप्लीट करता है, और इसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से दो स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं ओजाइट्स और एक होता है गोनोजाइट्स। जो गोनोजाइट्स होता है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है, और जो ओजाइट्स होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म होता है। जो गोनोजाइट्स होता है वो सॉलिटरी नेचर का होता है, यानी कि वो एक जगह पे जहाँ पे रहेगा वो एक ही जगह पे रहेगा, ये वाला जो है वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। ये सॉलिटरी फॉर्म है, ये गोनोजाइट फॉर्म है, ठीक है। जबकि एसेक्सुअल जो फॉर्म होगा ओजाइट्स वो कैसा नेचर का होगा, वो कॉलोनियल नेचर का होगा, सॉरी सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला रहने वाला, ठीक है। ये जो गोनोजॉइट्स फॉर्म होगा यानी ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये गोनोजॉइट्स फॉर्म का स्ट्रक्चर है, एडल्ट डॉलिओलियम का स्ट्रक्चर है। तो जो ये एडल्ट डॉलिओलियम होगा वो सॉलिटरी होगा यानी ये अकेला रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है। जबकि जो एसेक्सुअल फॉर्म होगा ओजाइट्स जो होगा वो कॉलोनी में रहना पसंद करता है, यानी कि बहुत सारे एक जगह पे इसके जो लार्वा होंगे वो एक जगह पे प्रेजेंट होंगे कॉलोनी बना के। दो फॉर्म इसके लाइफ साइकिल में होता है, एक गोनोजॉइट्स और दूसरा ओजाइट्स। जब ये गोनोजॉइट्स फॉर्म है, यही गोनोजॉइट्स फॉर्म जो है बाद में जो है ओवर, यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी दो चीज़ें हैं, दोनों में से कौन मैच्योर सबसे पहले होगा ये जो है डिफाइन करेगा कि आगे क्या होगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले जो मैच्योर होगा वो होगा ओवरी। क्या मैच्योर होगा? ओवरी। तो ओवरी जब मैच्योर होगा पहले तो टेस्टिस तो मैच्योर है नहीं, टेस्टिस मैच्योर नहीं होने के कारण क्या अपने ही बॉडी के स्पर्म से ये फर्टिलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट है, डिफरेंट होने के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई सबसे पहले यहाँ पे ओवरी जो है वो मैच्योर होगा, और ओवरी मैच्योर होने के कारण इससे ओवर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये मेराइन वाटर में रहता है तो मेराइन वाटर में आएगा, मेराइन वाटर में आने या फिर जो दूसरा डॉलिओलियम होगा जिसका कि स्पर्म जो है वो बाहर आया होगा, मैच्योर हो गया।
जिस तो उसके स्पर्म से ये फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद लार्वा बनाएगा और जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर लार्वा में डेवलप होगा। तो हम लोग उसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये लार्वा बनाता है, कौन सा लार्वा बनाता है और कैसे ये फॉर्म होता है, ये डॉलियोलियम कैसे बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए।